अगर ये भैया ना होते तो शायद मेरा आज सिलेक्शन ना होता। और अगर मैं अपनी रैंक का श्रेय किसी को देना चाहता हूँ तो वो ये पर्सनैलिटी थे, क्योंकि इन्होंने जितनी मेरी हेल्प की, जितना इन्होंने टाइम दिया मुझे, वो शायद अभी तक किसी ने नहीं दिया। और जो इन्होंने जितना टाइम दिया मुझे, फाइनली वो मेरे काम आया सेकंड रोप ईयर में। जो भी इन्होंने मुझे बताया कि टेस्ट ऐसे देने हैं, केमिस्ट्री ऐसे पढ़नी है, ये सब्जेक्ट ऐसे करना है, ये गलती होती है, वो सारा एक्सपीरियंस काम आया मेरे बाद में, और फाइनली मेरी रैंक भी आई। और इसी की वजह से हम ये बोला जाता है कि अपने एक्सपीरियंस से अगर जाएंगे पूरी ज़िंदगी को जीने के लिए तो वो बहुत कम पड़ जाएगी, और सामने वाले के एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। यही चीज़ मेरे बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मैं लोगों के पीछे भागता था कि ये बता दो वो बता दो, क्योंकि हर बंदे का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो हमें कुछ उससे सीखने को लेना चाहिए, सीखने को मिलता है। मैंने कभी ऐसे ईगो पर नहीं लिया कि मैं ऐसे जाऊंगा तो भैया ये सोचेंगे ये करेंगे। तो मिलते हैं आज ऐसे ही एक पर्सनैलिटी से जो कि IIT रुड़की में थे, अब पुणे में हैं, और ये कोटा गए थे, ड्रॉप इन्होंने लिया था और इनका फाइनल सिलेक्शन भी आया था, इनका रैंक भी आई थी। इन्होंने जो जो काम मुझे बताया था कि ऐसे करना है वैसे करना है, केमिस्ट्री ऐसे पढ़नी है, वो फाइनली मेरे काम आई थी बाद में जाकर। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, इनके एक्सपीरियंस जानते हैं, इनके एक्सपीरियंस क्या रहे, क्योंकि ये ड्रॉपर थे, कोटा में भी गए थे, अब इनके जनरल लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो भैया, जैसे आप 4 साल IIT में मौज काट के आए हो, इतना बड़ा कैंपस, इतने अच्छे दोस्त, इतना अच्छा पैकेज, तो अब आपकी क्या मौज आ रही है? तो पैकेज अच्छा था नहीं तो गरीबों का मजाक ना उड़ाए। ठीक है। जहाँ तक बात रही मौज की, तो लाइफ में यार मौज पे क्या बोलूँ, मुझे ज्ञान नहीं छोड़ना चाहता भाई। बंदी दिलवा क्या दिल, क्या दिलवा दे बंदी। गुटका पान भी बोल देते, गुटका पान तंबाकू यार, बंदी बोला मतलब 4 साल आप अकाल सूखा था आपके गोली में, जानता हूँ ये बात। तो क्या वो सूखा भी है? फालतू के सवाल क्यों नंगा कर रहा है मीडिया के सामने? डाल दूँ क्या? तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हमारे साथ हैं थोड़े से बड़े आदमी, ये IIT रुड़की से हैं और अभी पुणे में जॉब कर रहे हैं। और इनसे मेरी मुलाकात जो हुई थी वो मेरे जब मैं JEE में प्रिपेयर कर रहा था 11th 12th में जब हुई थी, और ये एक ड्रॉपर थे और ये कोटा में जाके इन्होंने सारा अपना जीवन व्यतीत किया था 11th 12th का और ड्रॉप ईयर का। चलिए हम शुरू करते हैं, भैया कैसा लग रहा है अभी आपको? ड्रॉप ईयर नहीं होता, ड्रॉप ईयर होता है, सीख। चलो जो भी होता है। हाँ, तो अब कैसा लग रहा है भैया आपके पास, अब फाइनली आप 4 साल बाद, आपने 4 साल IIT में बिताए और फिर उसके बाद आप पुणे में मजे कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है भाई, 4 साल बहुत अच्छे थे कंपेयर टू द पुणे का लाइफ। कॉलेज के 4 साल तो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? 2 साल कोरोना ने TDS काट लिया, इसके लिए मैं चाइना को सिंगल हैंडेड बम से उड़ा सकता हूँ। पाकिस्तान से ज्यादा नफरत चाइना से। अच्छा, जैसे आपने ड्रॉप का फैसला लिया था, तो आप जैसे कोटा में था, आपने बताया था 11th 12th आपने ड्रॉप किया था, फिर उसके बाद तो एकदम से कैसे आया था कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, मतलब वो क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए किसी के अंदर ड्रॉप के बारे में सोचने के लिए कि हाँ मैं ड्रॉप ले सकता हूँ? तो द थिंग इज दैट कि तुम्हें चीज़ें देखनी चाहिए कि एक साल में तुम कितना इंप्रूव कर सकते हो। जैसे लाइक मेरा ड्रॉप लेने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने फिजिक्स और मैथ कर ली थी, जो कि ऑब्वियसली बात है कि एक साल में इंप्रूव नहीं की जा सकती, वो तुम्हारे अंदर जैसा है वैसा है। बट जो कुछ रटने वाले पार्ट था ना, वो मैंने रटे नहीं थे, क्योंकि मेरे रटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब मेरे रटने वालों की मेमोरी वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से मैंने 30 किया था कि यहाँ ठीक है एक साल रट्टा मार के थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। अच्छा। एंड दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है ड्रॉप लेने का, अगर इसके अलावा बताऊँ तो, मतलब जैसे लगता है अगर पेपर के टाइम तुम्हारा भी बुरा हो गया, या फिर किसी वजह से अगर तुम्हें लगता है कि तुम 100% नहीं दे पाओ, या फिर तुम्हारे लाइफ में ऑप्शन ही नहीं है, तो ड्रॉप लेना बनता है। ऐसा कुछ हुआ आपके कोई दोस्त आप जानते हैं जिसके साथ, जिसने बहुत सब मेहनत की 11th 12th में और फिर भी उसका सिलेक्शन ना हुआ और वो प्राइवेट कॉलेज में धक्के खा गए एक लो क्वालिटी की जॉब कर रहा हूँ? देखो ऐसा नहीं है, मतलब जो मेहनत करते हैं ना वो प्राइवेट कॉलेज में धक्के खाने के बाद ही जॉब तो अच्छी कर रहे होते हैं, क्योंकि लेवर डिवेंट गोइंग टू वेन। नहीं, मुझे भी यही लगता है कि अगर मेहनत करी है तो फल जरूर मिलेगा, जैसे मुझे मिला फाइनली धक्के खा खा के पहुंच तो गया मैं। अब आपको भी पता था, देखो आपको भी बहुत दिमाग चाटा था कि ये बता दो वो बता दो ऐसे। कोई और एग्जांपल है आपके पास जो, मतलब जिसका JEE में सिलेक्शन ना हुआ 11th 12th में, जम के मेहनत की, ड्रॉप में जम के मेहनत की और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसा?
हाँ काफी लोग हो जाते हैं जिनका नहीं हो पाया जे एडवांस में, जस्ट लाइक दैट की देखो अब जैसे मेरे ईयर की बात करो तो जे एडवांस का पेपर हर साल बहुत अलग आता है। जैसे मेरे ईयर में अगर बात कीजिए तो केमिस्ट्री का पेपर काफी टफ आया था, जिन बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी थी वो केमिस्ट्री के भरोसे थे वो नहीं जा पाया, या फिर जिनका केमिस्ट्री बहुत खराब था फिजिक्स में काफी अच्छा था वो केमिस्ट्री ऐसे बच्चों को जाता है जिनका केमिस्ट्री में 12 नंबर नहीं ले पाया और ओवरऑल उनके 40% के आसपास मार्क्स थे, तो वो जे एडवांस के लिए क्वालिफाई करके भी आईटी के लिए क्वालिफाइड नहीं था। नहीं चलो जे एडवांस छोड़ो आप, मतलब अच्छी जगह जैसे जे मेंस क्लियर हो गया उनका या फिर ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि जे मेंस भी बेकार हो गया जे एडवांस भी बेकार हो गया पढ़ नहीं पाओगे। जे एडवांस बेकार हो गया तो वो आईआईटी नहीं जा पाते, वो जैसे एक दो से आईआईटी जमशेदपुर गया हुआ है हुआ था अब तो जॉब लग गया ऐसी चीज़ हो जाती है। और उसके बाद अब आपको थोड़ा सा वो लगता है कि ऐसे करना चाहिए था आपको प्लेसमेंट वगैरह के लिए क्या करना चाहिए था कॉलेज में वो, अरे क्या बोल दिया यार यू। हाँ सुनो मैं क्या बोल पूछ रहा था कि हाँ मेरे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है कि उसने मेहनत भी करी थी 4 साल, उसने सेकंड ड्रॉप भी लिया था लेकिन उसका फिर भी सिलेक्शन अच्छी जगह नहीं हुआ। तो ऐसा वो बोला था कि मेहनत करते हैं तो फल नहीं मिलता, ये सब बकवास चीज़ है, मेहनत करेंगे फल मिलेगा, क्या लगता है आपको इस पर? देखो ऐसा है कि मेहनत करने का भी अपना एक तरीका होता है, जस्ट लाइक ये ज्यादा होता है घूटे से बांधो दौड़ता रहता है दौड़ता रहता है तो कहीं पहुँचता नहीं, क्योंकि अब वो जगह पहुँच नहीं सकता। दूसरी नंबर बात की कुछ लोगों का मेहनत इसलिए बर्बाद होता है, जैसे कि अगर एक चीज़ हम सोचते हैं कि मुझे अच्छा सिंगर बनना है तो नहीं बन सकता। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि मैं लगता है कि मेरा मेहनत बेकार हो गया, बट मैं मेहनत बेकार नहीं होता क्योंकि चीज़ें कभी कभी स्पायरल में जाती है, मैं लगता है कि मेरा पोजीशन सही है बट हम एक्चुअली हाइट कवर कर चुके होते हैं। और बाकी ड्रॉप ईयर में क्या क्या दिक्कत आई थी आपको जैसे आप बता ही रहे थे मुझे? मेरा ड्रॉप ईयर बहुत ज़्यादा चिलता, मतलब अगर मैं ड्रॉप ईयर के दोस्तों से बात करूँ तो आज मुझे गाली देते हैं। हाँ कि आप बताए थे आपने कि मैं घूम के आया था बहुत जगह ज़्यादातर ऐसे, ये सब आपने बताया था तो मैंने मेरे फेसबुक पे जाते थे पोस्ट देखोगे तो वो ड्रॉप ईयर की है क्योंकि उसका मैंने फेसबुक चलाना बंद कर दिया था। बट एक और बात कि आप आईआईटी में इतना घूमने के लिए गए जितना फिर ड्रॉप ईयर और उसमें 11th 12th में गए थे? देखो यार देखो लेवल चेंज हो जाता है ना, जस्ट लाइक देखो अब क्या होता है कि जब तुम ड्रॉप ईयर में होते हो तो थोड़ा सा पैसों की दिक्कत होती है, थोड़ा सा टाइम की भी दिक्कत होती है, जस्ट लाइक कि ठीक है तुम कितना भी बोलो बट ऐसे संडे वगैरह घूम सकते हैं, फिर लोग भी तो चाहिए होते हैं ना, सबसे बड़ा बात है लाइफ में एंजॉय करने के लिए लोग चाहिए होते हैं आसपास, लेकिन किसी ग्रेट इंसान ने कहा था कि मजा जगह से थोड़ी आता है लोगों से आता है। तो अब जैसे मैं कोटा में था तो कोटा में घूमने कहाँ गया था, मैं कोटा के आसपास की जगह चले जाता था, आसपास सवाई माधोपुर चला गया, अंबौर देख लिया, जयपुर चला गया, मथुरा की होली देख, आगरा चला गया, ये सब दिल्ली चला गया, ये सब कॉलेज में घूमने ऐसा होता था कि यूपीएससी का एक प्री दिया अगले दिन 10 दिन के जम्मू कश्मीर चला गया, कोटा में घूमने के लिए एक दोस्त होता था दो दोस्त होता था, अपने लाइफ से प्यार होता ना सब नहीं होता, कॉलेज में ऐसा होता था कि 10 लोग जा रहे 12 लोग जा रहे थे। 7 वंडर्स बढ़ गए थे कोटा में? हाँ मतलब कोटा में मैं लगभग हर जगह घूमा था, गणेश उद्यान हो गया, 7 वंडर्स हो गया, और भी जगह था, मतलब आईएल कॉलोनी मेरा फेवरेट जगह हुआ करता था। अच्छा नहीं मैं तो अभी वहाँ गया था तो पहले दिन ही मैं चौंक गया था वहाँ बच्चे देख के कि कितने सारे बच्चे इतनी कोचिंग ये वो, और दूसरी बात वहाँ पे एक और बिजनेस टाइप का है कि कोटा में जाके हॉस्टल बना लो 50-60 हज़ार बैठे बैठे घर में, ऐसा नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट भी तो देखोगे, तुम्हारा आरओआई अगर तुम्हारा 12% के आसपास है तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम हॉस्टल खोल लो, जैसे लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट का बिजनेस जो बहुत फायदे वाला है, बस सपोज दैट कि तुम 60 हज़ार लगाने के लिए 60 हज़ार रुपये कमाने के लिए अगर 1 करोड़ तुम इन्वेस्ट करना पड़ा ना तो भरोसा रखो तो बहुत नुकसान हो, 60 हज़ार लगा 1 करोड़ कौन कह रहा है, तो 1 करोड़ से कम में तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें 60 हज़ार कम बिल्डिंग कैसे मिल जाएगा? होता नहीं घर बनाओ नॉर्मल अपना 30 लाख लो, 30 लाख का प्लॉट लो, 30-30 लाख में प्लॉट बन जाता है और 30 लाख में घर बन गया, 60 लाख में घर बन गया आपको। चल ठीक है 60 लाख में घर बन भी गया एंड तू 50 हज़ार जोड़ रहा है तो वो साल का 6 लाख ही हुआ, हाँ तो 10% आरओआई हुआ ना, 10% आरओआई के लिए तो एक बार वो कर लो ना बैंक से लोन ले लो और कह दो कि बैंक का इंटरेस्ट वो 12-13% है, तुम्हारा सालाना रिटर्न मात्र 10% है, तुम्हें जितनी सी कैलकुलेशन समझ में आती है तो ओवरऑल तुम्हारा 2% डेडिकेशन है, तो किस्त बंधवा लो ना कि 50 हज़ार मान लो आ रहे हैं और किस्त बंधवा लो 30 हज़ार की, तो 20 हज़ार का तो फिर भी प्रॉफिट है घर चलाने के लिए, 30 हज़ार का किस्त अगर तुम 60 लाख ले दे तो कितने साल लगेंगे चुकाने में क्या लगता है तुम्हें? लग जाएंगे 20-30 साल और आज से तो पता है ना 1980 में जब बंधन क्लासेस नहीं था तो उससे पहले कोटा कोई कोचिंग का कोई अस्तित्व नहीं था, 30 साल बाद कोचिंग अस्तित्व होगा या नहीं होगा? अब दूसरी चीज़ आप ये बताओ कि लोग मैथमेटिकली कैलकुलेटिंग करते चीज़ों को, बस इंटीग्रेशन बेस्ड बातें करते हैं। हाँ वो भी अब आपको याद हो कि हम बायोटेक में मिले थे डिपार्टमेंट में और तब आप मुझे ऐसे लगे थे जैसे मतलब प्रॉपर बिहारी टाइप होते हैं ना कि जैसे आप बोले थे या फिर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसके बाद बोलने बहुत अच्छी हुई थी कि आपने 2 साल बहुत टाइम दिया और मैंने हर चीज़ आपसे उठी, तो कुछ ऐसा आपको ऐसा याद है कि जो आपको ऐसा लगा बेकार सा कि हट क्या पूछ रहा है? बहुत बार लगता था
हर बार जब मैंने मुस्कुरा के तुम्हारी बात टाली है तो समझ जाओ मुझे ऐसा ही फील आया था। जैसे जैसे कि सबसे बेवकूफ वाला सवाल ये लगता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे नंबर नहीं आते। इस साल ही पूछा हुआ मैंने भी नहीं हुआ और ना ही मैंने आपसे ड्रॉप ईयर में पूछा हुआ। ड्रॉप ईयर में नहीं पूछा था बट उससे पहले 11th में बहुत हुआ था इस सवाल को लेकर। हाँ ये बहुत बेहूदा सवाल लगता था। अब मुझे भी लगता है ना ये चीज़ कि मैंने ये किया हो क्या फिर भी नंबर नहीं आया, कुछ तो कमी रही होगी। और लगता है कि थोड़ा सा और कम करके देखो फिर देखो नंबर कम आते कि नहीं आते। और लगता है हाँ। इसके अलावा और जैसे तुम अपने दोस्तों के बारे में जो तुम बातें किया करते थे तुम्हें बहुत बेवकूफ़ वाली हरकतें लगती थी तुम्हारी, क्योंकि मतलब ऐसा होता था ना कि तुम्हारा सोचने का दरिया बहुत छोटा था, तुम्हें लगता था जीवन वही 2-4 लोग हैं। बट जब बात हो रही 10 लाख की मतलब 13 लाख 10-15 लाख लोगों में से 10,000 सीट लाने की, रैंक लाने की, तो तुम यहाँ पे 100-150 में से एक पे जाना है तुम्हें, तो वहाँ तुम 4-5 लोगों से कम्पीट नहीं कर सकते। वो तो ऐसा बेवकूफ़ वाला सवाल लगता था तुम्हारा। और कोई और कुछ सारी चीज़ें उन्हें स्क्रीन नहीं की जा सकती। हाँ जैसे बहुत चीज़ अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार क्या बकवास पूछता था ऐसा टाइप से। ये भी बहुत पॉपुलर रहता था कि भाई कि भैया देखो मैं तो 4 घंटे पढ़ता हूँ 12 घंटे पढ़ता हूँ, सामने वाला 6 घंटे पढ़ता फिर भी उसका रिजल्ट आता है, ये सब बकवास था है ना। क्योंकि तुम देखो ऐसा सर बात है कि समय को लोग जोड़ते हैं बट ऐसे समय में वो कर क्या रहे होते हैं ये नहीं पता। मतलब अब लोग मतलब जैसे तुम जब एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हो 3 घंटे में तुमसे 120 क्वेश्चन सोल्व करना एक्सपेक्ट किया जाता है और तुम 12 घंटे लगा 150 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो फिर बोलोगे 12 घंटे पढ़ रहा था, तो पढ़ नहीं देते मतलब। हाँ सर को अच्छा अब ये बताओ आपको क्या लगता है, जैसे आपने आप IIT रुड़की में गए आपकी मेज में बहुत टॉप रैंक थी, और अब आपको क्या लगता है कि JEE निकालने के लिए करना क्या होता है बंदों को? JEE निकालने के लिए सपना देखना पड़ता है निकालना है फिर ये हो जाती है फिर सपना तो 12 लाख के 12 लाख देखता हूँ ना। ऐसा नहीं है दोस्त मतलब वही बात है ना कि लोग सपने देखते हैं बट नो वन इज रेडी टू पे फॉर इट। देखो JEE भी ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एक जगह आ गया जब तुम्हें समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना है। मतलब ये बहुत बुरा बात नहीं क्योंकि ये हर बच्चे को लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरे नंबर नहीं आ रहा एंड आगे समझ में नहीं आ रहा कि और कैसे मेहनत करें ऑल दैट, तो ठीक है मतलब ऐसा होता है। लेकिन वही आता है ना कि जो उसको पे करने के लिए तैयार है ना वो अगर तुम चाह रहे हो कि करना है तो मैं आज नहीं मिल रहा कल नहीं मिल रहा रास्ता तुम्हें मिल ही जाएगा, मतलब तब तक हाथ पे मारते रहना पड़ता है जब तुम्हें पता ना चले कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता था। और आप जैसे भी बोले थे ड्रॉप ईयर में आपने मतलब घूमने गए थे ये ऐसे थोड़ा टाइम बहुत लगाया नहीं था पढ़ाई में, मतलब टाइम पास आ गया था, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं था मैंने उसमें? वही बात है ना कि मतलब मेरा फिजिक्स मैथ अच्छा था काफ़ी, तो ऐसा था कि उनके पेपर ऐसे हो जाते थे मेरे से बच जाता था केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में तुम्हें क्या होता है कि स्लो टाइमिंग देना पड़ता है। हाँ मतलब ऐसा नहीं मैं जब बुक फिर था तब भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता क्योंकि क्या होता है ना कि चीज़ों को दिमाग में जगह देना पड़ता है सबसे बड़ी बात वो दैट्स बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड ब्रेन देन यू विल एबल टू रिटेन इट सो इट इन द पेपर। क्योंकि पेपर में तुम चीज़ देखोगे ना जो चीज़ तुम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रूम पे सॉल्व करके जाओ या जो तुम होमवर्क करके जाओ मतलब वहाँ पे जाकर के वही चीज़ होती है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है। जाम में जाने के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व सही करके आता है ना वो या तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात होती है। हाँ तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस करने के लिए चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा दिमाग और लाइफ में टाइम देना पड़ता है। और केमिस्ट्री आपकी वीक क्यों थी, मतलब समझ में नहीं आती थी या जैसे मतलब कुछ लोगों का होता है कि नहीं केमिस्ट्री तो पढ़नी ही नहीं मुझे ऐसा टाइप? असल में केमिस्ट्री इसलिए वीक थी क्योंकि पहले में मुझे चीज़ें याद रखने की आदत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी एंड दूसरा बात की फिजिक्स और मैथ इतना मज़ा आता था कि केमिस्ट्री ऐसे इग्नोर हो जाता था एंड उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत था मेरे साथ कि इनऑर्गेनिक याद ही रहता था और वो पूरा खुद से करना होता था एंड ऑर्गेनिक के साथ दिक्कत ये था कि ऑर्गेनिक जब तक तुम पूरा ना करो तब तक वो +10 के जब -2 दे के चला जाता है। तो ऐसा होता था कि ऑर्गेनिक में जैसे कि थोड़ा सा पार्ट छूट गया 10% छूट तुमने 90% कवर कर लिया 10% रह गया तो वो -10% वाला काम कर जाता था 90% की जगह। और फिर ड्रॉप ईयर में भी आपने केमिस्ट्री पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ऐसा? नहीं ड्रॉप ईयर में तो मैंने केमिस्ट्री ही की है, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से की मतलब केमिस्ट्री की एक भी बात नहीं छोड़ता था एंड केमिस्ट्री लेवल मैंने सारा याद किया मतलब पूरे 30 मिनट बस केमिस्ट्री ही किया लेकिन काम वो भी नहीं आया मेरे से केमिस्ट्री का पेपर इतना टफ आ गया कि मार 20 नंबर आए एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा ही थे लोगों के 11-11 नंबर नहीं आ रहे थे 2000 रखा गया पेपर में। अच्छा और आपके कोटा के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि मतलब जैसे मुझे तो ऐसा लगा था कि हाँ और चीज़ों में भी बहुत टाइम लगता है जैसे घर में रह रहे हैं तो घर में खाना बन रहा है कपड़े मम्मी पापा धो रहे हैं या जो भी फैसिलिटी चाहिए हम पढ़ाई से अलग सब काम मम्मी पापा कर रहे हैं लेकिन वहाँ जाके तो हमें खुद ही करना पड़ेगा ना ये काम इसके बारे में? देखो कोटा जाने के बाद देखो द बेस्ट थिंग दैट कि तुम्हें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, इज नॉट लाइक बस पढ़ाई कर रहे हो। अगर तुम्हारी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर तुम खाने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तुम अपना फिजिकल हेल्थ खराब कर लो, तो ये सारी चीज़ें एट द एंड तुम्हारी पढ़ाई को बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट करती हैं।
बहुत तुम्हारी एनर्जी लो हो रहा है उसके कारण तुम्हारा एक घंटा भी बर्बाद हो रहा ना, उससे बेटर है कि तुम खाने पे आधा घंटा बात कर लो, क्योंकि तुम्हें अच्छी फील भी आएगी ना, तुम्हारा आधा घंटा ओवरऑल प्लस नहीं रहोगे। प्लस जैसे कि अगर तुम्हारी तबियत खराब हो गई एंड एक महीने के लिए भी तबियत खराब हो गई तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इतना जरूरी है कि साफ सफाई हो गया या फिर जैसे कि फ्रूट्स खाने एंड ऑल दैट, तो लगता है कि टाइम जा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, बट जस्ट थिंक लाइक दैट ना कि अगर तुम एक बार बीमार पड़ गए तो फिर तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट होगा। वो चीज़ अगर तुम 365 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके अगर तुम यूज करते हो तो काफ़ी हेल्प होता है। सबसे बड़ी बात की पढ़ाई के टाइम पे सोशलाइजिंग से बचना चाहिए, कि अगर डाउट आ गए तो जरूरी नहीं कि तुम उसी समय पूछो, जैसे मैं पूछता था, क्योंकि मतलब तुम डाउट पूछने गए उस समय उसमें थोड़ा पढ़ाई का मूड बना हुआ है एंड वहाँ जाकर के फिर एनर्जी होना शुरू हो गया, तुमसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा सामने वाले से 5 आउट नहीं बन रहे, लगता कि जैसे इतने ही बन रही है। तो दूसरी बात की दूसरों को देख के कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा ना वो तुम्हें साफ साफ दिखेगा चिल मारते हुए, लेकिन जो बच्चा मेहनत कर रहा ना उसे ढूंढने में हो सकता है तुम्हारे पूरी पीजी में एक भी ऐसा बंदा ना हो बीसीएस जिसकी जिसका आईआईटी में होने वाला हो, जिसका मेडिकल में होने वाला हो, क्योंकि इंजीनियर रेशियो वही होता है कोटा में, क्योंकि बीसी का सक्सेस रेशियो होता है। तुम्हारे का हॉस्टल में अगर 20 लोग हैं तो मोस्ट ऑफ तुम इकलौते बंदे जिसका आईआईटी में होने वाला, और रैंक की बात तुम्हें कर ही नहीं, तो इसलिए बेटर है कि सोशल इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम होता है। और आपका एक्सपीरियंस क्या था, मतलब आपकी लर्निंग्स क्या रही इसमें, पूरे जेई के एक्सपीरियंस है और अभी आईआईटी में 4 साल बिताया आपने। देखो मतलब अगर पहले 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में सबसे पहले मैं 3 साल हुए ना 11वीं 12वीं फिर ड्रॉप। हाँ अगर मैं स्टार्टिंग के 3 ईयर्स की बात करूँ तो स्टार्टिंग के 3 साल में मैंने मेहनत करना सीखा, मतलब सही से होता था, मतलब जैसे लोग देखते हैं कि मैं बचपन से पढ़ने में अच्छा नहीं था ऑल दैट, मेरे साथ इशू था कि मैं बहुत हेवी था, मतलब मैं बहुत कमजोर भी था, बट जैसे 70-75% नंबर आते थे मेरे, फिर वहाँ से था कि आईआईटी जाना है ऑल दैट, तो ऐसा था कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि आई होगा मेरा, बट पहुँच गया था कोटा से पहुँच जाता था घर वालों ने भेज दिया था। तो फिर वहाँ जाकर के ना मैंने मेहनत करना सीखा, वहाँ जाके मैंने प्रेशर करना सीखा कि अब तुम 30% 35% नंबर आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता होता कि 35 से 45 कैसे करना है और तुम्हें 40 चाहिए। उस समय लगे रहना क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब जब तक रास्ता पता हो ना तब तक चलना आसान होता है, और जब रास्ता ना पता हो तब भी ऐसे हाथ पाँव मारते रहना कि कहीं से कुछ तो सही हो जाएगा, वो एक अलग प्रेशर होता है। मतलब वैसे कभी कभी ना मतलब वैसे सेल्फ ब्लैंक पेपर देकर आ रहे तो अपना नंबर जोड़े, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा नंबर कम क्यों है, या ऐसा कहो तुम क्या कर सकते थे, लेकिन ठीक है पागलपन आ जाता है एक टाइम के बाद। मतलब सीखिए तो मेरे पास ऐसे किताबों की बात करूँ तो मतलब वो हर चैप्टर का एक किताब है, लगभग 42 किलो रद्दी बेच के आया था मैं लास्ट, अच्छे खासे पैसे मिल गए होंगे। हाँ तो ऐसा नहीं करता, चीज़ें हो जाती है, मतलब इंसान पागल टाइप का हो जाता है, मतलब रोज रोज हारते हो, डिपेंड करता है जैसे कि तुम उसे डिमोटिवेट होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर ऐसे लगता है ऐसे कैसे नहीं होगा, अभी करके दिखाता हूँ, डिपेंड करता है तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है। और पूरी बात यह है कि लोग पढ़े या ना पढ़े, लोग पढ़ाई की बात जरूर करते हैं, लोग वहाँ पर ऐसे हर कोई डिप्रेस नहीं रहता, मतलब वैसे हर किसी को पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, कौन सा टीचर है, कौन सा टीम है, कौन सा कहाँ से कितना आता है ऑल दैट, तो हर किसी को बात तो करना होता है पेपर के बारे में, बट पेपर के बारे में पता किसी को कुछ नहीं होता, भले नंबर से हमारे द्वारा कुछ नहीं होता, तो वहाँ उस माहौल में मेहनत करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छी जगह मतलब इसलिए बोलेगा। बाकी एक वहाँ पर जैसे बहुत बुरी चीज़ है वो वहाँ का मौसम है, मतलब सुबह के 4 बजे लू चल रहे होते हैं, मतलब मेरे साथ दिक्कत नहीं है कि ये पंखा बंद करके पढ़ निकाल, क्योंकि पंखा से ना मैं फोटो नहीं करता, कभी मेरा पंखा ए सी चला रखा होगा, पंखा बंद कर रखा बाबा, अरे पंखा यहाँ पे छोड़ो, तो पता होता है कि वहाँ पे मैं पंखा बंद करके पढ़ाई करता था, गर्मी से जब पानी टपकता रहता था पसीना तुम पढ़ रहे होता होता था। और जैसे माहौल की कभी दिक्कत नहीं है कि ये लड़का उधर जा रहा है मॉल में जा रहे हैं घूमने, ऐसे नहीं दिक्कत होती? ऐसा नहीं, मैं भी जाता था, मैं सही दिखा। अच्छा आपको क्या लगता है अगर मैं जाता कोटा ड्रॉप में या कभी भी मतलब सेकंड ड्रॉप में या फिर 11th 12th में तो मैं चल पाता, मतलब आपको तो सब पता है मेरे बारे में, तो उसके बेसिस पे बताओ। डिपेंड करता, जैसे जैसे देखो अगर तुम स्टार्टिंग में अगर अच्छा करके जाते हैं अच्छे बैच में जाते हैं तो तुम चले जाते हैं आगे, और अगर तुम एट रैंडम पहुंच जाते वहां पर तो तुम चले जाते हैं। देखो तुम्हारे जैसा है ना कि तुम सोशली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो उस पर डिपेंड करता है, जैसे लाइक दैट कि अगर तुम जाते हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती कोशिश हो रहा है, बट क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ये तो अभी भी नहीं है, अभी नहीं है वो अलग चीज़ है, मतलब उस टाइम मतलब मुझे ये एक्सपेक्ट सबसे ज़्यादा वहाँ लगा था कि यहाँ तो बिल्कुल आसान है काम ये, मतलब चारों तरफ चांदनी चांद, जब एलन के संकल्प की बिल्डिंग अलग, इसकी बिल्डिंग अलग, संबंध की अलग, और वहाँ से एक लड़का यहाँ से ऐसे ऐसे सब निकल रहे थे, तो ये चीज़ मैं देख रहा था पहले दिन जब हम पहले घंटे गए थे कि बाबा यहाँ तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। जैसे यूपीसी का टॉपर था तनिष कटारिया का नाम था ना, तनिष कटारिया ने अपनी यूपीसी निकालने का श्रेय अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, क्योंकि उसने गर्लफ्रेंड अच्छी बनाई थी।
ऐसे तुम अगर अच्छे मैच में रहते हैं, अगर अच्छे लोगों की मौत होती है तो तुम अच्छा कर रहे होते हैं, और अगर बुरे लोगों से हो जाती तो फिर तो बुरा करती। और ऐसा भी सुना मैंने कोटा में, ये भी पॉपुलर है बहुत, कि नशा भांग ड्रग्स वगैरह। नहीं लोग नशा तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वहाँ अलग तरह के डिस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि घूमना फिरना हो गया, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मूवीज देखते हैं, मूवीज तो मैंने भी बहुत देखी है। इसके अलावा लोग कैफे काफ़ी ज़्यादा जाते हैं और खाना पीना, ये सब चीज़ें होती हैं। लोग कैफे में मतलब तुम जाओगे एक बंदे का देखोगे 7-8 घंटे से गेम खेल रहा है बंदा बैठ कर। हाँ वो मॉल वॉल में ऊपर सब सकते हैं वो गेम, वो नहीं कैफे कंप्यूटर का गेम। अच्छा तो भैया आपको कैसे क्या लगता है कि मतलब किस्मत जो है वो कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारी जेई जर्नी में, या फिर ओवरऑल बताओ कि कोई बड़ा आदमी होता है सक्सेसफुल होता है तो उसमें किस्मत का कितना हाथ होता है, जैसे बोलते हैं कि मेहनत जैसे कुछ होती है ये सब। एक डिपेंड करता है, मेहनत सब कुछ नहीं होता, जैसे अब एक लेवल तक तो मेहनत होता है, अब उसके ऊपर जो जब क्रिएटिविटी की बात आती है ना तो किस्मत मैटर करता है। जैसे कि कोई आदमी अगर बोले कि मैं मेहनत करके जेई में नहीं निकाल सकता तो कति गधे वाली बात करता है, कोई इंसान कितना भी गधा हो अगर मेहनत कर रहा है तो जेई में से निकाल लेगा। बट अगर किसी आदमी जैसे मेरा निकल गया कह सकते, लेकिन अब जैसे किसी इंसान को बहुत बड़ी चीज़ करनी जिसमें क्रिएटिविटी लगता हो, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना भी चाल शाहरुख खान, बट अब कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी ना हो पाए मेहनत करते, ये तो दिक्कत वाली बात। जैसे एक लेवल पे सीखना आसान होता है, उसके पे क्रिएटिविटी वाली चीज़ें आ जाती है। अब जैसे कि अगर कोई बोले कि मैं 2 लाख की जॉब भी नहीं कर पा रहा, नहीं ले पा रहा, तो वो बिल्कुल बिजनेस बात कर रहा है, अगर मेहनत करें तो 2 लाख की जॉब मिल जाए। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें अरबपति बनना है, तुम्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो वो फिर लक वाली बात होती है, मन लग कितना। तो मुझे तो ये लगता है कि थोड़ा सा किस्मत का भी होता है ना। देखो अब जैसे मैं था, आपके साथ कनेक्शन हुआ, और या फिर और भी थे, आकाश जी भैया थे उनके साथ हुआ, तो ये किसी और का थोड़ा ही हुआ, ये तो खाली मेरे साथ हुआ कि मैं बायोटेक में गया, आप मिल गए और अभी तक हम कनेक्टेड हैं। तो ये भी ऐसा नहीं, देख बायोटेक में तो अकेले नहीं आता, मुझे याद है तो दिन 21-22 लोग थे। नहीं जब मैं गया था 2 बंदे थे, मैं था और एक मेरा दोस्त था। वो दिन तो छुट्टी था ना, उस दिन तुम लोग आए थे बस। ऐसे इंजन में बता रहा हूँ कि जब पढ़ाना शुरू किया था हमने तो स्टार्टिंग में 20-21 बच्चे आएंगे लगभग, तो ऐसा नहीं मतलब ऐसे सारे लोग कॉन्टेक्ट में नहीं रहे, तुम्हें रहना था, तुम्हारे अंदर भूख थी तो तुम रहे साथ, बाकी लोग को ट्वेल्थ करना था वो नहीं रहे। जैसे कि जब तुमने फर्स्ट ड्रॉप दिया मैंने मना किया था ना, मतलब आपने तो ये भी बोला था कि तो जेई एडवांस मत देगा पहले उसमें, जब 12th में कितने नंबर नहीं आएंगे, और सही बात बोली थी, और उसी की वजह से इस साल का जेई एडवांस छूट गया। अगर वो ना दिया होता तो वो भी एक किस्मत ही रही कि मेंस पे फोकस रखा मैंने, और फिर तो वो चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें वो लोग किस्मत पर छोड़ देता है, तो किस्मत अब डिपेंड करता है, किस्मत अच्छी नहीं होता बट कुछ हो जाता है कभी कभी। जब मैंने आपसे ड्रॉप के बारे में पूछा था, फर्स्ट ड्रॉप के बारे में, तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि मत ले तैसे नहीं होगा ये वो, आगे क्या तुम्हारा लेक्चर नहीं था, मैंने सेकंड ड्रॉप पर मना नहीं किया। हाँ सेकंड ड्रॉप के लेक्चर मना नहीं किया था ना, क्योंकि सेकंड ड्रॉप तक मैंने लेक्चर आ चुके थे, ठीक है अब निकाल लेगा मुझे। क्या क्या बोलना मतलब कैसे लेक्चर? ऐसा होता है जैसे कि फर्स्ट ड्रॉप में जब तू जाना पर्सनल चीज़ की बात होती है, पर्सनल लाइफ के बाद जिस हिसाब से तेरे पॉइंट ऑफ व्यू था ना, तो तुझे कहीं आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे कि तू बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता, मतलब देख अगर तू दुनिया की कोई भी स्टोरी उठा के देख जाना, कोई भी हीरो या विलन की लड़ाई नहीं होती, हमेशा जो है इट्स ऑलवेज लव वर्सेस ईगो, तो थोड़ा ईगो वाला पार्ट उस समय डोमिनेट कर रहा था। जैसे ये थोड़ा ही था कि मतलब कि इसने कैसे रिजेक्ट मार दिया, ऐसे थोड़ा ही था उस टाइम मेरे अंदर ईगो जैसे। इट्स नॉट अबाउट द जेई, इट्स अबाउट द पीपल एंड इट्स अबाउट द सब्जेक्ट। इट्स लाइक दैट की अगर तुम्हें कोई चीज़ मतलब अच्छी लगती ना तो तुम ऑटोमेटिक उसमें अच्छा कर लो, अगर तुम किसी चीज़ के बारे में ये सोच रहे हो कि मेरे से होगा क्यों, तुम नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि वो होता है ना, देखो दिमाग के आदत, देखो दिक्कत ये नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो, दिक्कत ये कि जब तुम पढ़ाई खत्म कर ली तो उस समय तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम पढ़ाई करने के बाद ये सोच रहे हो कि मैं कल उठ के ये 15 चैप्टर और फोन लूँगा से क्वेश्चन लगा दूंगा, ये कर जाऊँगा वो कर जाऊँगा उससे पूछा, तुम्हारे नहीं होगा, लेकिन हाँ मतलब सर अगर तुम वो सारी चीज़ें कर लोगे जो तुमने सोचा है ना, तुम कर लोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम उस समय बैठे कि आज इजिकल टू एक यहाँ पर जिसका इजिकल टू एमपीएच होता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है, फिर ऐसे एनर्जी जाता होगा, अच्छा बॉल ऐसे ऐसे टकराई इलास्टिक लगा तो वो एनर्जी जो पूरा कंजर्व हो गया, तो इसलिए हम बराबर कर सकते हैं, या फिर जैसे कि कोशिश अगर बोल रहे हैं कि वो टूट गया तो फिर उसका मोमेंटम ही कंजर्व करते हैं, एनर्जी की कंजर्व करते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होने वाला है, तो सिर्फ तुम्हारे सोचने का तरीका था, जो तुम्हारे जो सवाल होते थे ना उस सवाल तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हें आगे कहाँ तक जाना है। थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि मैं जो पूछता था या फिर मैं जो सोचता था, मैं बस काम काम के बारे में सोचता था, और फिर जब करने की बारी होती थी तो करता नहीं था उस काम को, पूछ सब कर पाऊंगा तो दिक्कत है, नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हें वो सभी पसंद ही नहीं हो, बस तुम ईगो में लेकर उसको तोड़ने की कोशिश करो। जैसे तुम्हारे दोस्तों की एथिक बारे में भी मुझे ख्याल होते थे तो वो चीज़ें बता देती ना कि ठीक है तो फिर ऐसे कैसे। हाँ
अच्छा जैसे आपने मुझे दो टिप्स दी थी, एक तो केमिस्ट्री को लेके दी थी, बाद में मैंने फॉलो की, मेरी अभी 99 आई थी, सबसे ज़्यादा उसमें याद है, तो केमिस्ट्री को दी थी और फिर उसके बाद टेस्ट के लिए आपने दी थी, तो अब क्या बोलना चाहोगे कि केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए और टेस्ट वगैरह में कितने टेस्ट देने चाहिए ये सब? तुम बताओ केमिस्ट्री करें तो आप बताइए। केमिस्ट्री का तो मैंने भी ऑर्गेनिक में तो बहुत ही वो करा था कि तीन तीन बार वो करी थी बुक, फिर जाके समझ में आई थी, फिर एलन की शीट करी थी, फिर हो गया था फाइनल। लेकिन हाँ ऑर्गेनिक में फ़ायदा सबसे मिला था कि मुझे सेकंड ग्रुप में पेपर से पहले भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी ऑर्गेनिक में, क्योंकि मैंने बहुत तैयार कर रखी थी। और अब मेरे को पॉइंट समझ में आता था जो आप बोल रहे थे कि मुझे फिजिक्स और मैथ में मजा आता था, जो मजा मुझे ऑर्गेनिक में मिला था, शायद आप उस मजे की बात कर रहे थे उस टाइम। और दूसरी बात टेस्ट की तो आपने बोली थी, टेस्ट मैंने बोल दे गई थी, इस बार टेस्ट में कमी नहीं दी थी। और किसी भी पेपर में टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, खासकर जब तुम ऐसे पेपर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हो। देखो क्या होता है ना कि हमें आदत होती है सीबीएसई वाले पेपर देने की या फिर ऐसे बोर्ड एग्जाम देने की, तो उन पेपर में क्या होता है ना कि तुम्हें अगर चीज़ें आती है तो तुमसे चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ पे टेम्परामेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही बताना कि इन पेपर में बस वही चीज़ें होती है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो तुम्हारे लिए या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द पेपर एंड सबसे बड़ा होता है पेपर एनालाइज करना, टाइम मैनेजमेंट सीखना, माइंड टेम्परामेंट मेंटेन करना, क्वेश्चंस कैसे होंगे तुम्हारे लिए, क्या बेटर काम करता है। तो अब ऐसा होता है तो उन चीज़ों के लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले फिजिक्स करते हैं फिर केमिस्ट्री करते हैं फिर मैथ करते हैं, बहुत लोग ऐसा होता है जो पूरा पेपर तीन राउंड में करता है, बहुत लोग के लिए पेपर इतना आसान होता है कि वो पूरा एक साथ फोड़ते चले जाते हैं। तो बहुत लोग ऐसा होता है कि तो सबका जो है ना अपना अलग अलग पेपर करने का तरीका होता है, वो तरीका डेवलप हिसाब से होता है कि वो जब दे रहे हैं तो उनके लिए क्या बेस्ट होता है, उनके लिए सबसे कम 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 क्यों होता है। एक ऐसा होता है कि जब तुम्हारा दिमाग काम करना कम करेगा ना तो लास्ट तक ऐसा भी होगा कि तुम्हारा इंग्लिश भी इंग्लिश समझ में आना बंद हो जाता है। तो ऐसे दिमाग थी जॉर्ज नौ दिमाग को लास्ट तक कैसे साथ लेके चलना है, समय को कैसे साथ लेके चलना है, उन चीज़ों के लिए पेपर सीखना जरूरी है। उसके अलावा भी पेपर इसके भी जरूरी होता है क्योंकि जब हम रूम पर बैठ के क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि हो जाएगा नॉल दैट, बट जब एक्चुअल जब पेपर में कर रहे होते ना तो हमें पता चलता है कि हमें एक्चुअली हमें कितना आ रहा है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ऑब्वियस है कौन सी चीज़ हमारे लिए ऑब्वियस नहीं। उसके अलावा भी पेपर में और जब हम खुद से जब पेपर कर रहे होते हैं रूम पर बैठ करके तो हम हर चीज़ ईमानदारी से कर रहे होते हैं, हर चीज़ डिटेलिंग में कर रहे होते हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बट जाम में जाकर के ना सिर्फ आंसर लाना भी एक कला है। ठीक है एंड वो तुक्केबाजी है, वो जो लॉजिक लगाते हैं ना कि ठीक है, या फिर जैसे एलिमिनेशन करते हैं ऑप्शंस का, या फिर जैसे या फिर बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस को जो हम लोग सॉफ्टवेयर में लिखाते हैं, ठीक है लास्ट एडिए फाइव होना चाहिए, फाइव जिसने आ रहा है उसने मार दो, ठीक है तो वो सब चीज़ें जो है वो पेपर में ही जा कर के आती है। कंट्रोल जो है मतलब मुझे लगता है कि रूम पर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा होता है, बाकी से सब्जेक्ट पर कमांड करने के लिए तो सही होगी, बाकी क्वेश्चन लगा लो सब्जेक्ट पर कमांड होता चला जाएगा, सिलेक्शन एट टाइम इसी का होना जिसमें पेपर आता है, क्योंकि फाइनल में 3 घंटे का बैठ के पेपर ही देना है। अच्छा और एक और चीज़ ऐसा होता है ना फोमो जो होता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे इसका मतलब ही नहीं पता कि उसमें क्या होता है कि मान लो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी 98.80 क्यों आई, एक क्वेश्चन सही कर देता तो 99 आ जाती, तो इससे बाहर कैसे निकलते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा। गलत क्या, लालच तो अच्छी चीज़ मैं आगे लेके जाती हूँ, एंड इसमें फोमो क्या, फोमो तो मिसिंग आउट तो तुम अब हो रहे हो ना, जैसे क्योंकि 98% लोगों का नहीं गया, तुम्हारा हो गया 1% में तो तुम आ गए, तो मिसिंग आउट तो तुम अब हो। फोमो इज नॉट ए बैड थिंग, मतलब देखो मैं तो ट्रेंड फॉलो करने में विश्वास नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे देखो अगर अकॉर्डिंग टू डाटा की बात करें तो भारत में ऐसे गरीब लोग कुछ लोग कमजोर लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, या वैसे भारत में या इंडिया में अप्लाई होता है हर चीज़ में, मतलब ये तो जो रेयर चीज़ होती है, जो अच्छी चीज़ होती है ना काफ़ी रेयर होती है, तो रेयर होने में रहना मतलब कोई चीज़ अजीब नहीं होती, इट्स ऑलवेज बी यू। ठीक है भगवान पर भरोसा रखो कि भगवान ने तुम्हें बनाया तो खुद के प्रति ईमानदार हो, भगवान ने तुम्हें जैसे बनाया बहुत अच्छा बनाया। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि जैसे जो हम जेई में सीख के जाते हैं, जैसे टेस्ट देना सीखा, रिवीजन का सीखा, कि टीचर अच्छे होने चाहिए, कोचिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सब आगे की उसमें भी लगता है, जैसे आपने भी IAS में भी करा होगा ऐसा है ना, क्वेश्चन फिर पूछो आपने IAS में भी। अच्छा ठीक है से कट कर दूंगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो हम जेई में सीख के जाते हैं और जो हम यहाँ गलती करते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं और फिर कोचिंग अच्छी नहीं होती, सबसे बड़ा रोना तो ये होता है ना कि हमने कोचिंग अच्छी नहीं ली इसलिए नंबर नहीं आए, वो हम आगे के लिए वो कर लेते हैं, तो आपने इसका ख्याल रखा होगा, आपने आई ए एस की तैयारी करते हैं। देखो तो मतलब जैसे जो बताऊँगा तो टीचर कहीं भी अच्छे नहीं मिल जाते, मतलब अगर तुम कोटा का भी टॉप से टॉप कोचिंग में टॉप बैच में होना तब भी 4 में से 3 टीचर ही अच्छे मिलेंगे, एक तो वहाँ भी खराब मिल ही जाता है। 3 तो है ना बढ़िया। हाँ बट तुम्हें 4 चाहिए होते हैं ना, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर एक भी खराब मिल गया तो सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करोगे जो खराब रहेगा, उसमें नंबर क्यों नहीं आ रहा, एंड उसके चक्कर में बाकी 3 के भी लग जाते हैं, तो ऐसा होता है कि टीचर के भरोसे नहीं होता, कॉलेज जाने का तो याद बिल्कुल ही छूट जाती है तुम टीचर के भरोसे, क्योंकि वो याद नहीं जानते इतना पहले पढ़ना है तो खुद से पढ़ रहा है, यूट्यूब से पढ़ लिया, दोस्त से पढ़ लिए, काम के लाइफ पढ़ लिया, तो ऐसा हो जाता है, तो फिर मतलब टीचर की डिपेंडेंसी बहुत कम है। उसके अलावा तुम यही से जो चीज़ें सीखते हो सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहेगा ना वो तुम्हारा फोकस होगा, क्योंकि मतलब तुम अभी तुम्हें बहुत अजीब लगता होगा ये चीज़, बट एक ही काम को 10 घंटे 12 घंटे रोज करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। वो तो अब लगता है ना आपको जॉब के साथ, तो
तब भी लगता था, मतलब तुम, मैं एक जनरल ह्यूमन के प्रोस्पेक्टिव से बता दूँ, तुम जो अभी कर रहे हो ना इतना आसान काम नहीं है। तो ऐसा होता है कि तुम्हारे फोकस करने की टेंडेंसी इतनी अच्छी हो जाती है, तुम चार काम कर रहे हो ना एंड चार काम अगर तुम एक एक घंटे कर रहे हो तो उस हर घंटे में तुम आगे या पीछे का नहीं सोच के उस पर फोकस कर दे रहे हो, मतलब ये चीज सबसे अच्छी हो जाती है। के बाद और भी चीज़ें जो तुम्हारा फोकस अच्छा होता है, मेमोरी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा हार्डवर्क काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तुम्हें चीज़ें इंप्रूव प्रैक्टिस करने लगेंगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी लग रहा हो कि इतना मेहनत कर लिया यार, लेकिन तुम्हें पता होगा एट टाइम जब मेहनत का फल मिलता है वो जितना मेहनत करते हैं ना उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ उन लोगों से कंपेयर करोगे ना जिन्होंने मेहनत नहीं की तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने लगी थी, कितना मेहनत लगी, हाँ तुम्हें ऐसा फील आया कि मैंने इतनी मेहनत की थी जितनी चीज़ें मुझे मिल गई, हाँ मतलब सब ज़्यादा ही मिलता है, मतलब ये तो मेरे साथ लाइव एग्जांपल है कि जब पेपर हुआ था जब मैं क्या सोचा था, रिजल्ट आने के बाद मैं क्या सोचा था, मैं रिजल्ट आने के बाद अभी तुम कॉलेज जाओगे तब तुम रिजल्ट यार मैं इतना कुछ कर लिया मेरे पता भी नहीं चला, तो ऐसा होता है कि हमें ये पता होता है कि यार ठीक है मैंने करवा लिया। तो भैया देखो जैसे 12 लाख तो जेई में एक्सपीरियंस होते हैं वो पढ़ते हैं उनकी मेहनत करते हैं नंबर नहीं आते, नंबर तो 50-60 हज़ार ही तो कॉलेज में पहुँच पाते हैं टीयर उनके, लेकिन जो टीयर 3 टीयर 2 में होते हैं उन्हें आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है उनके पास आगे लाइफ में अच्छा करने का? देखो डिपेंड करता है, सबसे पहले बात की जो टायर 2 टायर 3 होता है उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टायर 1 के कॉलेज से ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं, उन्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, भले वो जेई में ना हो या फिर में ना हो, जैसे कोई मेडिकल में उसे कार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो डिपेंडिंग जो कौन वो IIT में ना भी हो तब भी अगर उसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसे अपने पैसन को फॉलो करना चाहिए, मतलब इट्स ईजी टू गेट कनेक्टेड विद एनी IIT प्रॉप्स एंड द अदर प्रॉप्स टू गेट द प्रोजेक्ट कर लो या इंटर्न कर लो तो तुम्हें अच्छे कॉलेज मुझे मिल जाएगा, तुम्हारा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तुम्हारे कॉलेज में से क्या मिसिंग है जो दूसरे कॉलेज में है, तुम वहाँ से सीख सकते हो चीज़ें। उसके अलावा जो सभी चीज़ें कि ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे खराबी करते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ तो मेरे अपने जितने दोस्तों को जानता हूँ सबके कॉलेज सब जिस भी कंपनी में मेजोरिटी ऑफ लोग जो है ना उनके लेवल पे जो है वो टायर 2 टायर 3 कॉलेज से ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी सीट दर्जा वाले ही भर देते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो भी सारे अच्छे जगह पर होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कि फिर रेशियोज काफ़ी कम होते हैं, लेकिन अगर उन्हें चाहिए तो उसमें मेहनत कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर दूसरे करियर ऑप्शन होते हैं जैसे लाइक दैट आप CAT की तैयारी कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, या फिर जैसे MTech कर सकते हैं की तैयारी को, या फिर जैसे UPSC है तो UPSC सब के बराबर है, IAS वगैरह हो गया, या फिर फॉरन से भी अगर MBA वगैरह करना चाहते हैं MS करना चाहते हैं तो उनका ऑप्शन भी हमेशा खुले हुए। तो IIT जाने का मतलब बस ये होता है कि तुम्हें माहौल अच्छा मिल जाता है, मतलब तुम उनके जैसे लोगों में रहते हो, तुम IITian ऑलरेडी सक्सेसफुल है एंड जो ज़्यादा गलत लोग हैं। हाँ ठीक है, क्या इसमें क्या गलत है कि IITian ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, होता ही ये नहीं फेंकना होता। चलो अब आगे, हाँ बट मैंने ऐसे मतलब मेरे जो दोस्त जो टायर 2 टायर 3 कॉलेज से जो मेरे लेवल पर है अभी जो मेरे कंपनी में साथ में काम कर रहे हैं, उन्हें मैंने ये चीज़ देखी कि उनके अंदर जो था ना वो सब्जेक्ट के प्रति जो डिवोशन था, जो भी चीज़ उन्हें सीखना वो दिल से काम करता है, जो मतलब जिनको कोडिंग करना था वो दिल से कोडिंग करते हैं, तो वो एट द एंड हमारे लेवल पर होते हैं, हमारे लेवल हमसे अच्छे लेवल पर होता है। तो ये चीज़ देखिए अगर तुम किसी भी चीज़ को तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या करना है, बस मेरा तो यही था कि मतलब मैंने सेकंड जॉब क्यों किया था उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जब मुझे अगले 1 साल में 2 साल में 3 साल में कोडिंग में भी इतनी मेहनत करनी है तो क्यों ना 1 साल और लेके किया जाए, या फिर जो अभी ड्रॉप लेंगे क्यों ना 1 साल और अच्छी तरह मेहनत करके ट्राई तो करके देख सकते हैं, भले ही 1 साल का घाटा हो मान लो मैं कि और रैंक नीचे चली जाए या रैंक अच्छी ना आए, लेकिन फिर भी ओवरऑल तो प्रॉफिट नहीं। और एक फनफैक्ट बताता हूँ, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट नहीं बचा, प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, या जैसे कि लोग मतलब इन चीज़ों पर बहुत टॉपिक बनता है जैसे क्या बोलते हैं सैलरी CTC दिखाते हैं इनको 50-60 लाख ही होता है, बट इन सबके साथ एक चीज़ और होता है इंजीनियरिंग के फील्ड में कि हर 2-3 साल में ना लोगों की सैलरी डबल हो जाती है, तो उस वन फैक्ट को याद रखें एंड डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, चीज़ें सब सही हो जाती है अगर आपको सके पता है कि आपको क्या करना है। अच्छा आखिरी में आप मुझे एडवाइस क्या दोगे कि आगे कॉलेज जाने वाला है तो मुझे अपने कॉलेज में क्या क्या काम करना है, जैसे मेरा तो फिक्स है कि IIIT में जाऊंगा जिस हिसाब से रहेंगे या तो ग्वालियर या फिर लखनऊ, तो उसमें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ये काम करना है यहाँ मत जाना, मतलब कंपनी वाइज जैसे आपकी कंपनी जो थी वो बहुत अच्छी थी कि आपके दोस्त अच्छे थे आपने बताया था, तो इस टाइप से वो सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज में सबसे मेजर काम जो करना होता है वो होता है लाइफ को एक्सप्लोर करना, क्योंकि ये चीज़ तुम कॉलेज का कभी नहीं कर पाओगे, एक इंडिविजुअलिटी जो डेवलप होती है ना वो कॉलेज में जाके होता है, मतलब जैसे JEE में तुम बहुत लीनियंट होते पढ़ाई के प्रति एंड ऑल दैट, बट कॉलेज में जाके जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है, जो हमारे पैसन होता है, जो हमारे हॉबीज होते हैं, ये सब तुम्हारी पर्सनैलिटी होती है, ये सब जाके कॉलेज में इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ हमेशा ख्याल रखना बस। और क्या होता सारे दारू मत पीना, हाँ ठीक है, और बस अब तो एडिट करने पड़े। और आपकी क्या भाई की क्या मौज आ रही? भाई की तो लग गए, क्यों क्यों? अरे जयपुर में कार्डिया कॉलेज है उसमें एडमिशन ले रहा है पागल। और बैंक आई जी मेंशन और एडवांस में? एडवांस तो मैंने जी मेंशन भी निकला ना, बताया नहीं तो क्या तुझे? नहीं आपने बोला था कि परसेंटाइल अच्छी है उसकी, 97-98 है तो नहीं, मतलब
मेरे जैसे गधे का आपने निकलवा दिया, तो आपके भाई का आपने क्यों नहीं निकलवाया भैया? कोई किसी का नहीं निकलवा ठीक है, सबको अपना खुद ही चलाना पड़ता नहीं, अगर मैं अपनी रिफ्लेक्शन देखूँ ना पीछे, तो मैंने वही अप्लाई किया था जो मैंने सीखा था 11वीं 12वीं ड्रॉ फेयर में, जो मुझे कहा गया था कि ये करियो ये मत करियो। अब मुझे सब पता था कि ये ऐसे करना है, टेस्ट में ये करना है, दिक्कत आएगी, तो वो तो आपकी वजह से आ रही ना, कि आप ना होते तो शायद वो बात ही ना पता चलती मुझे, है ना? और कुछ बताओ। डिपेंड अपॉन द, नहीं पता सबको होता है, बात ये होती है कि अप्लाई कौन करता है, मतलब सबको पता है कि 6 घंटे पढ़ने चाहिए, ये करना चाहिए, वो किताब लगा लो, लगाता कौन ये भी तो मैटर करता है, मतलब ऐसा तो नहीं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि दूसरे का समाता फिर भी लेने लगते हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है इसे में क्या लिखा, किताब जैसे नॉलेज, जबकि जो फिजिक्स पढ़ना है तो एस वर्मा ही पढ़ेगा, किताब में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ मटेरियल ही उठाना है, उसके बाद लोग नहीं कर पाते ना, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बाद सिंपल बात है कि लोग करना नहीं चाहते। इसका रीजन पता क्या मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें लगता पता नहीं आईआईटी क्या, आईआईटी रुड़की क्या, आईआईटी पहाड़ है, बिल्कुल ऐसा लगता है एडवांस का पेपर। बिल्कुल सही बात बोला, ये बात डाउन है ना मुझे, यस सर यस सर यस सर। कैसा लग रहा है आपको जीवन के साथ, लगता है कि हाँ ठीक है जीवन में कुछ अच्छा किया मैं? क्यों, और भी आपके कोई कुछ मामले ना जॉब में, जॉब में भी तो होंगे आपके जिन्हें देख के आपको लगता होगा कि ये नल्ले हैं, तो मैं तो नल्ला नहीं हूँ बिल्कुल ऐसा। जो नल्ले वाली फीलिंग नहीं आती, मतलब मैंने एक अच्छा काम किया मैंने भी, ठीक है एक बंदे का 10,000 रैंक है जिसका क्रेडिट मुझे दे देता है, बिल्कुल अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें निस्वार्थ भाव से मैंने भी की, हमेशा हफ्सी और लालची बन के नहीं पढ़ा रहा जीवन। हाँ भैया सही बता रहा हूँ, देखो दो बंदे अगर नहीं होते, एक तो आप और एक आकाशी भैया, तो शायद मुझे इतना ज्ञान नहीं होता और मैं अभी कॉलेज में चढ़ रहा होता ये क्या कर लिया वो क्या कर लिया, और ये ज्ञान का सामने मुझे दिखता है कि मेरे दोस्त और मेरा खुद का भाई, उसके घर में मैं था, मैं जहाँ जाता था वो भी जा सकता था, नहीं हो जाता नहीं था, है ना? तो हर कोई हर चीज़ सेम होते हुए भी सारी चीज़ फाइनल सेम नहीं हुई ना, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान दे, भूख कैसे कैसे।